हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ साइंसेस एंड आई एम योर एजुकेटर सुप्रिया। तो आज हम इकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, हैबिटाट एंड नीच के बारे में एंड टाइप्स ऑफ नीच कौन कौन से होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो हम सबसे पहले देखेंगे हैबिटाट क्या होता है और नीच क्या होता है। सो हैबिटाट क्या होता है? हैबिटाट इट इज़ अ इन्वायरमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म लिव एंड इट इंक्लूड ऑल पैरामीटर्स लाइक बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो हैबिटाट क्या होता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है, वो जितने भी पैरामीटर्स हैं लाइक वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज रह रही हैं, तो उनसे इंटरेक्ट करता है, उसको कहते हैं हैबिटाट। यानी कि वेयर आर स्पीसीज लिव, जहाँ पे कोई भी स्पीसीज रह रही हो, रहती हो। सो इट इज़ अ एरिया वेयर लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड सर्वाइव, जहाँ पे लिविंग थिंग्स ग्रो कर रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं। लाइक एग्जाम्पल के लिए फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ट्री हो गया, ठीक है। तो फॉरेस्ट में तो सारी स्पीसीज रह रही हैं, तो वही बात बोली कि वो वहाँ पे रह रही हैं, ठीक, कहाँ रह रही हैं, फॉरेस्ट में रह रही। वेयर आर स्पीसीज लिव, हैबिटाट एक ऐसा एरिया हो गया जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रहते हैं और वो सारे पैरामीटर से इंटरेक्ट करते हैं लाइक बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स। तो इसका मतलब हो गया हैबिटाट। अब नेक्स्ट आता है नीच। नीच क्या होता है? हाउ स्पीसीज लिव। अब हमने कहा हैबिटाट में कि स्पीसीज रह रही है, अब नीच की वो कैसे रह रही है, ठीक है। ऑल द पैरामीटर नीडेड बाई एन ऑर्गेनिज्म लिव एंड सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस इन अ हेल्दी वे। तो जो भी पैरामीटर्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को रहने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि फूड हो गया, दूसरे एनिमल्स का बिहेवियर हो गया, जितने भी रिसोर्सेज हो गए, उनकी बात बोली गई कि वो स्पीसीज कैसे रह रही है, ठीक है। हाउ स्पीसीज लिव। नीच आर फंक्शनल एरिया विच इंक्लूड्स एबायोटिक फैक्टर्स, बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड फूड एंड रिसोर्सेज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके मोहल्ले में अलग अलग घर है, तो आपका जो पूरा मोहल्ला हो गया, वो पूरा एरिया क्या हो गया, वो हैबिटाट हो गया, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग स्पीसीज रह रही हैं। लेकिन अब मोहल्ले में सबके अलग अलग घर, जो सबका अपना अपना घर हुआ ना, वो हो गया नीच की स्पीसीज कैसे रह रही है, उनके बिहेवियर क्या है, उनका फूड रिसोर्सेज क्या है। उसी तरह जैसे कि एक जंगल है, एक जंगल में बहुत सारे एनिमल्स रह रहे हैं, तो कोई एनिमल्स नीचे रह रहा है, कोई एनिमल्स पेड़ पे रह रहा है, तो अलग अलग तरह से वो रह रहे। जैसे बर्ड्स जो हो गए वो पेड़ पे रह रही हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े एनिमल्स हो गए वो नीचे रह रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हैबिटाट हो गया। अब नीच की बर्ड्स का जो एरिया होगा, जो जैसे वो ट्रीज पे रह रही हैं, तो उनका क्या हो गया, वो एरिया नीच हो जाएगा, कि वो कैसे रह रही हैं, कैसे रिप्रोड्यूस कर रही हैं, क्या खा रही हैं, वही बात हो गई नीच। नीच इज़ अ पार्ट ऑफ हैबिटाट। नीच इज़ एक्चुअली इज़ द पार्ट ऑफ हैबिटाट, ठीक है। तो क्योंकि एक हैबिटाट में ही तो पेड़ है ना, तो पेड़ जो है वो उसी हैबिटाट में है। नीच क्या होगा कि वो कैसे रह रही हैं, कहाँ रह रही हैं, ठीक है। सो ये हो गया कॉन्सेप्ट हैबिटाट एंड नीच का। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीच देखेंगे एंड इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ नीच, टू टाइप्स की नीच होती है, एक होती है फंडामेंटल नीच और एक होती है रियलाइज नीच। फंडामेंटल नीच, अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन देयर नीच विदाउट डिस्टर्बिंग कंपीटिंग विद अदर स्पीसीज। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक एरिया में रह रहा है, मतलब जैसे कि अलग अलग घर हैं, तो उस घर में सिर्फ एक ही लोग रह रहे हैं, तो वो दूसरे स्पीसीज को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ना ही उनमें कॉम्पिटिशन होगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो तब होता है ना जब दो स्पीसीज एक साथ रह रही हैं, जब वो अलग अलग रह रही हैं तो वो कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे। तो फंडामेंटल नीच में यही है। रियलाइज नीच, वेन टू ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ सेम नीच, सो देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। जब दो ऑर्गेनिज्म सेम नीच में रह रही हैं, तो उनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा। क्यों? क्योंकि उनके रिसोर्सेज में कॉम्पिटिशन होगा, उनको फूड एक चाहिए होगा, उन्हें जगह एक चाहिए होगी, तो यही होता है। अब मेजर हम डिफरेंस देखेंगे कि मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं दोनों नीच में। सो फंडामेंटल नीच इज द डिफरेंट नीच एंड देयर इज नो कॉम्पिटिशन इन फंडामेंटल नीच, वेयर एज रियलाइज नीच, टू स्पीसीज लिव इन द सेम नीच एंड कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज। फंडामेंटल नीच में जब कोई एक आदमी या कोई भी एक पर्सन सिर्फ अकेले घर में रह रहा है, तो वहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ अकेले रह रहा है। लेकिन उसी घर में अगर दो लोग हो जाएंगे, तो वहाँ पे कंपटीशन हो जाएंगे रिसोर्सेज के लिए। फंडामेंटल नीच में क्या, डिफरेंट फूड हैबिटाट है, जैसे कहा कि जब कोई दूसरा पर्सन नहीं है, तो वो फूड हैबिटाट अलग अलग हो जाएंगे। रियलाइज नीच में इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, दूसरा पर्सन आया तो वहाँ पे इंटरफेरेंस होगा। फंडामेंटल इज द लार्ज नीच, रियलाइज नीच स्मॉलर, ठीक है। फंडामेंटल नीच थियोटिकल नीच होती है और रियलाइज नीच एक्चुअल नीच होती है, जो रियलिटी में होती है। ये हो गया फंडामेंटल नीच और रियलाइज नीच का डिफरेंस।
यहाँ पे एक टर्म आता है नीच ओवरलैप. नीच ओवरलैप डिस्क्राइब द शेयरिंग ऑफ नीच स्पेस बाय टू और मोर स्पीसीज. इट इज़ द इंडेक्स ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन द रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऑफ टू स्पीसीज. जैसे दो लोग एक एरिया में रह रहे हैं, उनके बीच में कॉम्पिटिशन हो गया, तो वो क्या करेंगे, रिसोर्सेज को शेयर करेंगे. जब आपस में शेयर करेंगे तो उनमें क्या होगा, एक ओवरलैप रीजन होगा, वही होगा नीच ओवरलैप. जैसे कि ये स्पीसीज ए हो गई, ये स्पीसीज बी हो गई. अब ये दोनों एक ही नीच में रह रही हैं, एक ही घर में हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इनका ओवरलैप रीजन होगा. यानी कि यहाँ ओवरलैप रीजन मीन्स क्या हो जाएगा कि जैसे उन्हें सेम फूड चाहिए होगा, ठीक है, सेम उन्हें जगह चाहिए होगी, तो जो रिसोर्सेज का ओवरलैप हो रहा है, जो रिसोर्सेज दोनों को ही चाहिए होंगे, जो दोनों स्पीसीज यूटिलाइज कर रही हैं, वही होता है कॉन्सेप्ट नीच ओवरलैप का. अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे फंडामेंटल नीच और रियलाइज नीच. तो यहाँ पे दो स्पीसीज की बात हो गई है, एक हो गई है थैमलस और एक होती है बेलनेस. आप इमेज में देख सकती हैं कि दोनों ही अलग अलग स्पीसीज हैं जो रॉक्स पे रहते हैं, ऐसे एनिमल्स जो छोटे छोटे रॉक्स में रहते हैं. तो ये मैंने इमेज के थ्रू आपको बता दिया है. अब हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि जैसे ये ओशन रीजन है और यहाँ पे ये रॉक्स हैं, ठीक है, ये माउंटेन है, तो ये लो टाइड हो गया, ये मिडिल टाइड और ये हाई टाइड, ठीक है, यानी कि ये हाई रीजन. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थैमलस रह रहा है, ठीक है, यहाँ पे लो रीजन पे मिड में और हाई में थैमलस रह रहा है, ऑक्यूपाई करे है पूरे रीजन को, थैमलस को इस तरह से शो किया. सो इट्स अ फंडामेंटल नीच फॉर थैमलस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरी स्पीसीज नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरफ्रेंस नहीं है, कॉम्पिटिशन नहीं है रिसोर्सेज के लिए, तो आराम से थैमलस रह रहा है, यानी कि नो कॉम्पिटिशन, नो इंटरफ्रेंस, और ये लार्ज है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज है. ये हो गया फंडामेंटल नीच फॉर थैमलस के लिए. बट अब आप देखेंगे कि ये ओसिन है, ये रॉक्स है, ये लो मिड और हाई रीजन है. यहाँ पे बैलेनस को इंट्रोड्यूस करवा दिया. जब दूसरी स्पीसीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई तो थैमलस क्या हो गया, वो हाई रीजन पे चला गया और बैलेनस ने मिड और लो रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया. सो इट्स अ रियलाइज नीड फॉर थैमलस, क्योंकि अब थैलमस जो थैमलस है वो पूरे रीजन को तो ऑक्यूपाई करे नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्पिटिशन हो गया फॉर द रिसोर्सेस के लिए. यही होता है रियलाइज नीड में, क्या होता है, इंटरफ्रेंस होते हैं और कॉम्पिटिशन होते हैं. तो ये रियलाइज नीड हो गई बैलेंस के लिए भी और रियलाइज नीड हो गई थैमलस के लिए भी. तो ये स्मॉल होगी, आप देख सकते कि देखा था कि फंडामेंटल नीच जब थैमलस पूरे रीजन में ऑक्यूपाई कर रहा था वो लार्ज थी, वहाँ पे कोई भी इंटरफ्रेंस नहीं था, कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं था. लेकिन अब जब यहाँ पे बैलेंस को भी इंट्रोड्यूस करा दिया तो थैमलस सिर्फ हाई रीजन पे रह रहा है और बैलेंस ने मिड और लो रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया है. तो यही एग्जांपल हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इकोलॉजी में. अब हम दो कंडीशन देखेंगे. तो पहली कंडीशन क्या है कि इफ टू ऑर्गेनिज्म इज लिविंग इन अ सेम हैबिटाट बट डिफरेंट नीच. जब दो ऑर्गेनिज्म वो सेम हैबिटाट में रह रहे हैं लेकिन उनका नीच अलग अलग है, जैसे कि स्ट्रीट में अलग अलग घर है, तो हैबिटाट क्या है, वो एक स्ट्रीट में रह रहे हैं लेकिन नीच अलग है, मतलब वो अपने अपने घरों में अपने अपने तरीके से रह रहे हैं. दैट मीन्स दे आर हैविंग डिफरेंट फूड हैबिटाट. उनका फूड हैबिटाट अलग है, उनका रिप्रोडक्शन टाइमिंग अलग है, कंडीशन एंड रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट अलग है, तो रिजल्ट क्या होगा, स्टेबली को एग्जिस्ट टुगेदर विदाउट एनी कॉम्पिटिशन. तो वो दोनों ही जो भी स्पीसीज हैं वो एक साथ रह सकती हैं एक दूसरे के बिना डिस्टर्बेंस करे. जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये स्पीसीज ए हो गई, ये स्पीसीज बी हो गई, इन दोनों में कोई भी इंटरफ्रेंस नहीं है, ये अपने एरिया में रह रहे हैं, ये अपने हैबिटाट में रहे, अलग अलग हैबिटाट है, मतलब दो ऑर्गेनिज्म अगर वो सेम हैबिटाट में रह रहे हैं लेकिन उनका नीच अलग अलग है, क्योंकि इनका रहन सहन हैबिटाट क्या बोला था, हैबिटाट हो गया कि वेयर स्पीसीज लिव, यानी कि जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है, और नीच क्या होगा कि वो कैसे रह रहा है, ठीक है. तो ये दोनों रह रहे हैं सेम हैबिटाट में लेकिन इनका नीच अलग है, ये अपने तरीके से रह रहे हैं, ये अपने तरीके से रह रहे हैं, तो ये स्टेबली को एग्जिस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉम्पिटिशन. नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, इफ टू ऑर्गेनिज्म इज लिविंग इन द सेम नीच. अभी तक दोनों अलग अलग नीच में रह रहे थे लेकिन सेम हैबिटाट था, अब दोनों को जब सेम नीच में रख दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, ओवरलैपिंग रीजन आ जाएगा. जैसे कि ये स्पीसीज ए है, ये स्पीसी ओवरलैपिंग रीजन में क्या हो जाएगा कि अब उनके रिसोर्सेज एक हो जाएंगे, अब वो रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करेंगे. दैट्स मीन दे आर हैविंग सेम रिसोर्स रिक्वायरमेंट, अब वो रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करेंगे. तो रिजल्ट क्या आएगा कि कांट को एग्जिस्ट टुगेदर एंड कॉम्पिटिशन विल रिजल्ट इन वन स्पीसीज एलिमिनेशन. जब दो स्पीसीज एक साथ रह रही हैं और वो रिसोर्सेज के लिए लड़ाई झगड़ा कर रही हैं, एक दूसरे के इंटरफेरेंस कर रही हैं, तो वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकती, कैन नॉट को एग्जिस्ट टुगेदर,
और उनके बीच में कंपटीशन होगा, जिसमें से एक स्पीसीज को एलिमिनेट होना पड़ेगा। जो फिट होगी, स्टेबल होगी, वही स्पीसीज एग्जिस्ट करेगी एंड नेक्स्ट वन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी इन्वायरमेंट से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।